देखिए, मैंने आज ये डिजाइन बनाया है जो बहुत ही खूबसूरत सा है। ये 10 फंदों में डिजाइन बनाया जाएगा। 10 फंदों में ये वाला डिजाइन मैंने बनाया है, 10 में ये, और 3 4 4 फंदे मैंने बीच में रखे हैं उल्टे फंदे। देखिए, इसे डालने का तरीका मैं आपको बताऊँ। पहले हम अपने 4 फंदे उल्टे बुनाई कर लेंगे। पीछे कर देना है। अब ये 2 फंदे एक साथ हम बुनाई करेंगे। ये हमने 2 फंदे एक साथ बुनाई किए, एक फंदा हमारा घट गया। अब हमने यहाँ आगे धागे लिया, इस बीच वाले फंदे से हम जाली बना लेंगे। जो फंदा हमारा घटा था वो हमारा फंदा जाली से बढ़ जाएगा। फिर हमने ये जाली के लिए धागा आगे लिया, फिर हम यहाँ पे ये 2 फंदे घटा देंगे। आगे लाएंगे, फिर इस बीच वाले फंदे पर हम ये जाली बनाएंगे, फिर ये धागा आगे लाएंगे, फिर इन दोनों फंदों को एक साथ घटाएंगे, फिर ये जाली हमारे यहाँ पे भी बन जाएगी। अब हमने धागा आगे लाकर ये उल्टे फंदे बुनाई कर दिए हैं। 4 फंदे हमने उल्टे बुनाई किए। ये डिज़ाइन हमें बनाना है। फिर हमने ये 2 फंदे एक साथ बुनाई किए, फिर ये धागा आगे लाए, फिर इस बीच वाले फंदे से हमने ये जाली बनाई, फिर धागा आगे लाए, फिर हमने ये 2 फंदे एक साथ कटा दिए, फिर यहाँ पे भी हमारी जाली बन गई। फिर ये 2 फंदे धागा आगे लाएंगे, फिर इस बीच वाले फंदे पर हम जाली बनाएंगे, फिर ये धागा आगे लाकर ये 2 फंदे एक साथ घटाएंगे, यहाँ पर हमारी जाली भी बन जाएगी और फंदा भी कट जाएगा। जो फंदा हमारा जाली से पूरा हो गया। फिर हमने ये धागा आगे लिया, 4 फंदे अपने उल्टे बुनाई किए। आप उल्टे फंदे जितने दिल चाहे रख सकते हैं। फिर उल्टी सिलाई पर हमारे जो फंदे उल्टे बुने गए थे वो सीधे बुनाई करने हैं। जो उल्टे फंदे हमारे 10 फंदे हमने सीधे बुने गए थे सीधी सिलाई पर, हमने इनको उल्टा बुनाई करना है। जो 10 फंदे में हमारा डिजाइन डाला गया था, बुनाई करने हैं। यहाँ पे 2 फंदे घटा देने हैं इस तरह। आगे धागा लाएंगे, फिर इस बीच वाले फंदे से हम जाली बनाएंगे, फिर ये धागा आगे लाएंगे, फिर इन दोनों फंदों को हम एक साथ बुनाई करेंगे। यहाँ हमारी जाली भी बन जाएगी और एक फंदा भी घट जाएगा। जाली
थाली से फंदा हमारा बन जाए। फिर देखिए देखिए पांच फंदों में हमारा ये डिज़ाइन बन गया। अब अगले पांच में इसी तरह से बनेगा। ये डिज़ाइन 10 फंदों में हम बनाते हैं। ये दोनों फंदे हम एक साथ लेकर घटा देंगे। फिर ये जो हमारा बीच वाला फंदा है, ये धागा आगे लेकर इसे हम बुनाई करेंगे और इस पर हम जाली बना देंगे। फिर आगे धागा लाएंगे, फिर दोनों फंदों को हम एक साथ बुनाई करेंगे। फिर हमारी ये यहाँ पे जाली भी बन जाएगी और फंदा भी बढ़ जाएगा। फिर हमने ये चारों फंदे अपने उल्टे बुनाई कर लेने हैं। फिर ये डिज़ाइन बनेगा। इन दोनों फंदों को हम एक साथ लेंगे, शुरू वाले दोनों फंदे इसे घटा देंगे। अब ये धागा आगे लाएंगे, बीच वाला फंदा जो है ये हमारा, इस पर हम जाली बनाएंगे। फिर ये धागा आगे लाएंगे, फिर इन दोनों फंदों को घटा देंगे। फिर ये हमारी यहाँ पे जाली भी बन गई और फंदा भी घट गया। फिर हमने ये दोनों फंदे एक साथ बुनाई करने हैं अगले पांच फंदों में जो है। फिर ये धागा आगे लाएंगे, फिर ये यहाँ पे सीधे फंदे पर हम इस वाले पर जो हमारा ये चल रहा है यहाँ जाली बनाएंगे। फिर धागा आगे लाएंगे, फिर ये दोनों फंदे हम एक साथ लेकर बुनाई करेंगे इस तरह। फिर ये धागा आगे लाकर हम अपने ये चारों फंदे उल्टे बुनाई कर देंगे। ये चारों उल्टे फंदे हमारे उल्टी वाली सिलाई पर इस यहाँ पर सीधे चलेंगे। देखिए अभी चारों फंदे हमने सीधे बुनाई करने हैं और जो हमारे ये 10 फंदे सीधे चल रहे हैं उनको हमने उल्टा बुनाई करना है। बहुत ही खूबसूरत सा ये डिज़ाइन है। आप इसे किसी भी स्वेटर, लेडीज़ कार्डिगन या किड्स कार्डिगन में डाल सकते हैं। अब ये चारों फंदे हमने सीधे बुनाई करने हैं। फिर से हमने ये 10 फंदे उल्टे बुनाई करने हैं। उल्टी सिलाई पर आप ध्यान रखना, जो सीधी सिलाई पर हमारे चार फंदे उल्टे बुने जाते हैं वो हमने उल्टी सिलाई पर सीधे बुनाई करने हैं और जो ये सीधे 10 फंदे चल रहे हैं उन्हें हमने उल्टा बुनाई करना है। बस इतना ध्यान आपको उल्टी सिलाई पर रखना है। देखिए अब फिर हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए हमारा डिज़ाइन बड़ा खूबसूरत सा नेट वाला बनने लगा है। देखिए फिर मैं आपको ये बताऊंगी, पहले हम ये अपने चारों फंदे उल्टे बुनाई कर लेंगे। फिर ये धागा आगे पहुंचाएंगे, फिर ये दोनों फंदे हम एक साथ बुनाई करेंगे। फिर ये धागा आगे लाएंगे, इसे हमें जाली बनानी है। ये बीच का जो हमारा ये वाला फंदा चल रहा है ये, इस पर ही हमें जाली बनानी है। ये धागा आगे लाकर हमने ये फंदा बुनाई किया। फिर हम ये धागा आगे लाएंगे, फिर ये दोनों फंदे हम एक साथ लेकर घटा लेंगे। फिर ये दोनों फंदे एक साथ लेकर हमने घटाने हैं। फिर ये धागा आगे लाएंगे, बीच वाले फंदे पर जाली बनाएंगे। फिर ये धागा यहाँ आगे लाएंगे, फिर ये दो फंदे एक साथ बुनाई करेंगे। चारों फंदे हम उल्टे बुनाई के लिए, फिर ये धागा आगे कर लिया, फिर ये दोनों फंदे हम एक साथ बुनाई करेंगे। फिर ये धागा आगे लाएंगे, फिर ये सीधा वाला फंदा जाली का बनाएंगे। फिर धागा आगे लाकर इन दोनों फंदों को एक साथ घटाएंगे और जाली के लिए हमें धागा आगे लाना होगा। फिर ये दोनों फंदे एक साथ घटाएंगे,
आगे लाएंगे, फिर हमें ये यहाँ पे इस बीच वाले फंदे पर जाली बनानी है, फिर ये दोनों फंदे हमने एक साथ बुनाई करने हैं, फिर धागा आके लाकर हम अपने ये चारों फंदे उल्टे बुनाई कर देंगे। देखिए बड़ा खूबसूरत सा ये डिजाइन बनकर आता है। सिलाई पर उसी तरह से करना है, उल्टे वाले फंदे सीधे बुनाई करनी है, ये चारों उल्टे फंदे हमने सीधे बुनाई करने हैं। ये 10 फंदे जो है हमारे डिजाइन वाले, इन्हें हमने उल्टा बुनाई करना है। ये जाएंगे आगे धागा लेकर, ये धागा हम अपनी तरफ लेंगे, फिर हम उल्टे फंदे बुनाई करेंगे। हमारे 10 फंदे ही उल्टे बुनाई ये जाएंगे, जो हमारे सीधी सिलाई पर सीधे चलते हैं। डिजाइन बनाना है, फिर हमने अपने चारों फंदे उल्टे बुनाई करने हैं। फिर हम ये आगे धागा ले जाएंगे, फिर हमने इन दोनों फंदों को फिर से एक साथ इकट्ठे बुनाई करना है, फिर ये धागा हम आगे लाएंगे, फिर ये जाली वाले फंदे पर हम जाली बनाएंगे बीच के फंदे पर, फिर से हम ये धागा आगे लाएंगे, फिर ये दोनों फंदे हम एक साथ बुनाई करेंगे, फिर ये दोनों फंदे हमें एक साथ बुनाई करने हैं। फिर ये धागा आगे लाएंगे, फिर बीच वाले फंदे पर हम ये जाली बनाएंगे, फिर ये धागा आगे लाएंगे, इन दोनों फंदों पर हम ये जाली बनाएंगे। ये धागा आगे लाकर हम ये अपने उल्टे फंदे बुनाई कर देंगे। ये धागा आगे ले जाएंगे हम, फिर हमें ये अपना अगला वाला ये डिजाइन बनाना है, फिर हमने ये दोनों फंदे एक साथ बुनाई करने हैं। जाली बनानी है, फिर ये धागा आगे लाकर हमें अगली वाली जाली बनानी है, और इन दोनों फंदों को एक साथ बुनाई करके यहाँ पे फंदा भी घटाना है। फिर इन दोनों फंदों को हमने एक साथ बुनाई करना है, फिर ये धागा हम आगे लाएंगे, सीधा फंदा बुनाई करेंगे जाली वाला, ये धागा आगे लाएंगे दूसरी जाली के लिए, यहाँ पे फिर ये दो फंदे एक साथ लेकर हम घटा देंगे। अब ये धागा आगे लाकर इन चारों फंदों को हम उल्टा बुनाई कर देंगे। देखिए बहुत ही प्यारा सा ये डिजाइन बनता है। फिर हमने अपनी उल्टी सिलाई बुनाई करनी है, जिस पर हम चारों फंदे सीधे बुनाई करेंगे। ये हम अपने 10 फंदे उल्टे बुनाई करेंगे।
देखिए फिर हमने अपने उल्टे फंदे, चारों उल्टे फंदे बुनाई करने हैं। एक बार फिर से मैं ये सिलाई रिपीट कर रही हूँ। ये धागा आगे लिया, फिर ये दोनों फंदे हमने एक साथ बुनाई किए, फिर ये जाली के लिए हम इस तरह धागा आगे लाएंगे, फिर इस बीच वाले फंदे पर हम ये जाली बनाएंगे, फिर ये धागा आगे लाएं, फिर ये दोनों फंदे हमने एक साथ घटा दिए। यहाँ पे जाली भी बन जाएगी और ये फंदा भी घट जाएगा। फिर ये दोनों फंदे हमने एक साथ बुनाई करने हैं। अगले पांच फंदे जो बचते हैं, फिर हमने ये धागा आगे लिया, फिर ये सीधे फंदे पर हमने जाली डाली, फिर ये धागा आगे लिया, फिर दोनों फंदे हमने एक साथ बुनाई किए, फिर ये हमने अपने चारों फंदे उल्टे बुनाई किए, फिर एक बार ये डिज़ाइन है, फिर हमने ये दो फंदे एक साथ बुनाई करने हैं, फिर ये धागा आगे लेना है, फिर ये सीधे फंदे पर जाली बनानी है, फिर ये दो फंदे एक साथ बुनाई करने हैं, फिर ये वाले दोनों सब फंदे एक साथ बुनाई करने हैं, फिर ये धागा आगे लाएंगे, इस बीच वाले फंदे पर जाली बनाएंगे, फिर ये दो फंदे एक साथ बुनाई करेंगे, जाली भी बन जाएगी और फंदा भी घट जाएगा। फिर ये चारों फंदे हमने उल्टे बुनाई करने हैं। देखिए बहुत ही खूबसूरत सा नेट डिज़ाइन है, आप इसे किसी भी कार्डिगन, स्वेटर वगैरह में डाल सकते हैं।